हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास क्लास 5। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी और इसका चैप्टर नंबर यानी कि पाठ संख्या 7। पाठ का नाम है बालक का स्वप्न। तो आप, मैं, हम सभी अपनी जिंदगी में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई स्वप्न अवश्य देखते हैं। कभी हम खुली आंखों से देखते हैं तो कभी सोते हुए। आज हम बात कर रहे हैं एक बालक के सपने की। उसने अपने स्वप्न में क्या देखा और अंत में क्या हुआ, ये देखते हैं हम अपने इस वीडियो में आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बालक का स्वप्न। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि वह स्वप्न में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगा कर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, दोबारा पूछा, और वह लड़का टाल गया। उस दिल से बालक छिप करके पढ़ने लगा, यानी पढ़ाई करने लगा। अब आपको लग रहा होगा कि लड़के ने ऐसा क्या देखा कि छुप छुप के पढ़ाई कर रहा था। चलिए देखते हैं कहानी में आगे। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो सब तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। सेठ ने उसको धमकी दी और कहा, अगर आज सपने की बात नहीं बताई ना तो तेरी नौकरी तो गई। लड़का चतुर था, यानी इंटेलिजेंट था, होनहार था, तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसने बोला, ठीक है जाने दो नौकरी को, हमें क्या, हम दूसरी कर लेंगे। पर उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न की और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाया, किसे, लड़के को, और कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे अन्यथा आज से ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु लड़का भी था अपनी जिद का पक्का और दृढ़ निश्चयी, मतलब जो सोच लिया वो करना ही है। तो लड़के ने क्या किया, उसने कुछ नहीं बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, यानी पढ़ाई अभी भी चालू है। पर किसी प्रकार ना उसने अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंस से राजा के यहाँ पे साधारण सा नौकर हो गया, यानी सिंपल सर्वेंट हो गया। और धीरे धीरे उन्नति करते 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 एक दिन राजा का मंत्री बन गया, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के आ गया। पहले सेठ गया था जमींदार के यहाँ, और अब जमींदार कहाँ गया, राजा के यहाँ। और उसने उसे पहचान लिया और राजा को सारी बात कह सुनाई। अब उसने राजा को बता दिया कि राजा जी, ये लड़का मेरे यहाँ नौकरी करता था, उससे पहले एक सेठ के यहाँ भी नौकरी करता था, और उस सेठ ने मुझे बताया था कि एक दिन ये सपने में चिल्लाया, और फिर जब सेठ ने इसे पूछा इसने कुछ नहीं बताया, सेठ ने इसे नौकरी से निकाल दिया, और अब फिर जब मैंने इससे पूछा ना तो इसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। यानी ये लड़का सेठ को और मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, आप पूछ के देखिए, क्या पता आपको बता दे, और या फिर ना भी बताए। क्यों, क्योंकि कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो जलन हो जाती है उसे। ऐसा ही जमींदार के साथ हुआ और उसने राजा को बात बता दी ऐसी। तो फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या सपना देखा था, आप या तो वो सपना बता दो
और नहीं तो दंड के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि राजा को लगा ये जमींदार कह रहा है कि मेरा मंत्री तो मुझे कुछ बताएगा ही नहीं। राजा को लगा ये बात तो भाई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और अपना आत्मसम्मान एक मंत्री के हाथों थोड़ी ना खराब करूंगा, ऐसा राजा ने सोचा होगा। मंत्री ने सपना बताने से मना कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डलवा दिया, क्योंकि उसको भाई राजा का तो ईगो हर्ट हो गया ना, और कुछ भी करने का, किसी का ईगो हर्ट नहीं करने का। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर दी, यानी सारे जो सैनिक थे वो इस राजा की सीमा के आसपास इकट्ठे कर दिए। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए दो घोड़ियां भेजी और पूछवाया इनमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी। सभी अपनी अपनी बुद्धि लगाई, सभी ने, पर समस्या का कोई हल ना निकल सका। राजा का एक नौकर था बंदी ना, राजा का जो नौकर था वो इस बंदी मंत्री को, जो मंत्री था जिसको अब बंदी बना लिया था, उसे रोज भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई कि राजा जी बहुत परेशान हैं, पड़ोसी राजा ने ऐसे ही कर दिया, घोड़िया भी, जिसने पूरी स्टोरी सुना दी। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, क्योंकि मंत्री ने तो राजा के यहाँ काम किया था, और जो वफादार लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में अपनों का साथ देते हैं। ये कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी में नहला लेने जाओ, जो पहले आगे नदी में पानी में घिसेगी वो तो होगी माँ, और जो पीछे पीछे चलेगी वो होगी बेटी, क्योंकि माँ वही कर बेटी वही करती है जो उसकी माँ करती है, यानी जो बेटी को माँ सिखाती है बेटी वही करती है, ऐसा मंत्री ने सोच के कहा। इसी के बाद उस राजा ने दो तीन प्रश्न और भेज दिए, मंत्री ने सबके सब हल कर दिए। पड़ोसी राजा ने सोचा ओह इसके पास तो बहुत चतुर और इंटेलिजेंट मंत्री हैं, इसे हराना कठिन है। उसने अपनी सेना हटा ली, पर उसने एक संदेशा भिजवाया, यानी एक मैसेज भेजा, जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है, यानी जो व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है कि उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, यानी हम अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से करेंगे। यह समाचार से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। वाओ, एक मंत्री जो बंदी है और पड़ोसी राजा उसको अपनी बेटी साथ शादी कर रहा है, वाह भाई वाह। उस बंदी मंत्री की चारों ओर बहुत प्रशंसा होने लग गई। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने, कौन से राजा ने, पड़ोसी राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया, और इसके बाद इस राजा ने भी अपनी बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दे दी, क्योंकि खुश हो गया, लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, राज्य नहीं गया, और अपने मंत्री की इतनी प्रशंसा भी हो रही है। कुछ दिन बाद एक दिन सुबह सुबह यानी प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने, ये मंत्री था ना जो अब राजा बन गया, क्योंकि बेटी से शादी कर ली राजा की, तो ये भी राजा बन गया, दोनों राजाओं यानी अपने राजा और ससुर जी राजा को बुलाया, और वो जमींदार और सेठ जी को भी बुलाया। और जब वे वहाँ आए तो उस समय ये मंत्री राजा पलंग पर महल के एक विशाल और सुव्यवस्थित कक्ष में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त कई अन्य नौकर इनकी सेवा में जुटे थे और चारों व्यक्ति इनके आसपास बैठे थे। चार कौन? दो राजा, एक जमींदार और एक सेठ। आगे देखते हैं। तभी उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय देख रहे हैं ना यहाँ पे, मैंने सपने में देखा था, क्योंकि इन सब ने इससे पूछा था ना कि सपने में क्या देखा, सपने में क्या देखा, तो इसने सोचा चलो अब जब सपना पूरा हो ही गया है तो बता देते हैं। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओहो मेरा ऐसा भाग्य, मैंने ये बात तब आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा नहीं होने देता, हो सकता है ईर्ष्या लोभ और अपमान के वसीभूत आप मुझे मौत के घाट पर उतरवा देते, यानी आप मेरे को मरवा देते। सच में अपने मस्तिष्क में जो विचार आए
उनकी व्यर्थ चर्चा ना करते हुए, यानी कि हमने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है, हमें कुछ पाना है, तो हमें उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। जैसे ये एक साधारण सा मजदूर व्यक्ति जो सेठ के यहाँ काम करता था, राजा बन गया। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं एक अगले पार्ट के साथ अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।